नमस्कार, मैं डॉक्टर जी एन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग इन ए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ राजस्थान। मैंने इस वीडियो में आपको सेमेस्टर सिस्टम और परीक्षा की योजना के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने सेशन 2023-24 से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। यूजी की सभी फैकल्टीज़ में बीए, बीएससी, बीकॉम में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। और मेरी जानकारी का सोर्स है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे जो एक सेमेस्टर सिस्टम में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में। यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी विशेष परिवर्तन अगर किया जाता है तो उसकी जानकारी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएं। तो स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर प्रणाली के बारे में। सेमेस्टर सिस्टम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने सेशन 2023-24 से यूजी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीए, बीएससी, बीकॉम में लागू कर दिया है। इसको समझने के लिए एक सेमेस्टर सिस्टम वर्सेस एनुअल सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम अर्थात एक वर्ष में दो परीक्षा होगी। एनुअल सिस्टम जो पहले चलता था 2022-23 तक, अभी उसकी जगह सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। एक सेमेस्टर में जो टीचिंग का टाइम होता है वो है 15-18 वीक्स ऑफ एकेडमिक वर्क। जब ये एनुअल सिस्टम होता था तो पूरे वर्ष में 180 दिन का शिक्षण कार्य होता था। अब सेमेस्टर सिस्टम में एक सेमेस्टर में 90 दिन का शिक्षण कार्य होगा, 15-18 सप्ताह का एकेडमिक वर्क होगा। एक एकेडमिक ईयर जो कि जुलाई से जून माना जाता है, उसमें दो सेमेस्टर होंगे। एक जुलाई से 30 जून तक का एक एकेडमिक ईयर जिसमें दो सेमेस्टर होंगे, यानी दो सेमेस्टर को एक एकेडमिक ईयर माना जाएगा। एक सेमेस्टर जो पहला, तीसरा और पांचवा, जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स की हम बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक सेमेस्टर होता है ओड और दूसरा होता है इवन। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये ओड सेमेस्टर कहलाएंगे, और दूसरा, चौथा और छठा ये इवन सेमेस्टर कहलाएंगे। ओड सेमेस्टर की ड्यूरेशन होगी 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और इवन सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो होगी 1 जनवरी टू 15 मई। ये प्रपोजल है, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ही इसमें अंतिम होती है। दो सेमेस्टर के बाद एक एनुअल समर वेकेशन का प्रावधान किया गया है यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का वेकेशन छुट्टियों में प्लान करती है। एकेडमिक सेशन की शुरुआत 1 जुलाई को होगी। एकेडमिक सेशन का एंड 30 जून को होगा, यानी जून के अंत में। चूंकि इस वर्ष का सेशन थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1-2 महीने की लेट तो सेशन में होगी। बाकी इसके लिए अधिकृत रूप से विश्वविद्यालय ही जिम्मेदार है, उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे होंगे कि ये क्या है, कब से लागू होगा, और इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है प्रश्न कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। सेमेस्टर सिस्टम 6-6 महीने के आधार पर परीक्षा कराने का एक सिस्टम है। पहले एनुअल सिस्टम होता था, वर्ष में एक बार ही परीक्षा आयोजित होती थी। अब वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होगी, यानी एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे। तो जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके 3 वर्षों में 6 सेमेस्टर होंगे। कब से लागू होगा? 2023-24 के सेशन से लागू होगा। जो स्टूडेंट पहली बार कॉलेज की परीक्षा देंगे, जो फर्स्ट टाइम कॉलेज की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट ईयर में। बीए, बीएससी, बीकॉम पर ही लागू होगा या एमए, एमएससी, एमकॉम पर भी लागू होगा? तो एमएससी में
महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की ओर से पिछले वर्ष ही सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया था और इस साल के लिए एमए और एमकॉम प्रीवियस में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं होगा और बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सिस्टम इसी वर्ष से लागू हो चुका है। एक सवाल है, रेगुलर या नॉन कलीजिएट स्टूडेंट दोनों पर लागू होगा या रेगुलर पर होगा? तो अब तक की जानकारी के अनुसार और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट पर ही इस वर्ष बीए बीएससी बीकॉम में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, नॉन कलीजिएट पर नहीं होगा। अभी जब भी नॉन कलीजिएट स्टूडेंट के फॉर्म भरे जाएंगे एग्जाम फॉर्म, तब उसके बारे में अंतिम सूचना जो विश्वविद्यालय जारी करता है वही मान्य होगी, लेकिन अब तक की जानकारी के अनुसार केवल रेगुलर स्टूडेंट पर ही सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। परीक्षा कब होगी? परीक्षा के लिए जनवरी या फरवरी में आयोजित हो सकती है इस वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा, बाकी विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग ही होगी। मार्कशीट कैसी होगी, ग्रेड शीट कैसी होगी, तो इसका जो डिसीजन है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है। कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो उसके लिए इस वर्ष यूनिवर्सिटी ने 36% जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स रखे हैं, 36% इन थियरी, इन प्रैक्टिकल एंड इन इंटरनल असेसमेंट, सब में 36%। परसेंटेज होगा या ग्रेडिंग सिस्टम होगा, तो इस वर्ष से ग्रेडिंग सिस्टम होगा। डिवीजन सिस्टम, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये नहीं होगा, इसकी जगह आपके ग्रेडिंग का सिस्टम लागू कर दिया गया है। क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। मूल मुद्दा ये है कि क्रेडिट सिस्टम ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक क्रेडिट क्या होता है, एक क्रेडिट एक मेजरमेंट होता है कि आपने क्या लर्न कर लिया है अब तक। इसका मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम क्रेडिट। तो सब कुछ आपका क्रेडिट पर चलेगा, आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर ही ट्रांसफ़र होगा या क्रेडिट कितने आपने अर्जित किए, यही मायने रखता है इसमें क्रेडिट सिस्टम। पेपर कोड किस प्रकार का है, जब भी आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उस सिलेबस में आपको एक एक सब्जेक्ट का, एक पेपर का एक यूनिक कोर्स कोड मिलेगा आपको, जिसको पेपर कोड कहते हैं। ये यूनिक है, हर पेपर के लिए एक कोड इस्तेमाल किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि ये थियरी का पेपर है या प्रैक्टिकल का पेपर है, पेपर का मार्किंग पैटर्न क्या होगा, टाइम क्या होगा, संख्या, ये सब आपको इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। मार्किंग पैटर्न की, किस टाइप, कितने टाइम का पेपर होगा, पेपर्स की संख्या कितनी रहेंगी। एक प्रश्न है, जो इस साल सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में अध्ययनरत है उन पर लागू है या नहीं है? तो उन पर लागू नहीं है, उन पर पुरानी स्कीम ही लागू रहेगी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है उन सब पर सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। क्या इन सब का मीडियम अंग्रेजी होगा सेमेस्टर सिस्टम में? तो इसका उत्तर है नो, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। और कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनमें हो सकता है यूनिवर्सिटी ऐसा डिसीजन ले कि केवल इंग्लिश ही हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों ही मीडियम होंगे, इंग्लिश और हिंदी। इंटरनल असेसमेंट क्या है? इंटरनल असेसमेंट या कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब है कि जो पेपर होंगे उसमें से 20% आपका जो मार्किंग होगी वो कॉलेज के द्वारा या टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। जिस प्रकार 12वीं की परीक्षा में स्कूल से मार्क्स भेजे जाते हैं, उसी प्रकार अभी कॉलेज से मार्क्स भेजे जाएंगे और वो भी 20% है। अगर कोई सब्जेक्ट 150 का है, 150 अंक का है, तो उसमें से 30 आपके मार्क्स कॉलेज से भेजे जाएंगे। इलेक्टिव या कोर कोर्स क्या है? इलेक्टिव का मतलब है कि आपको चुनना है सब्जेक्ट, और कोर कोर्स का मतलब आपको ये लेना है, अनिवार्य है, जरूरी है। और डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर कोर्स, जिस डिसिप्लिन में, जिस सब्जेक्ट में आप अध्ययनरत हो उस सब्जेक्ट का जो कोर कोर्स होता है उसको DCC कहते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे।
सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में प्रोग्राम और कोर्स किसको कहा गया है? सेमेस्टर सिस्टम में एक प्रोग्राम या एक एकेडमिक प्रोग्राम, एक डिग्री का जो बीए डिग्री या बीएससी डिग्री या बीकॉम डिग्री, इसको एक प्रोग्राम कहा गया है। बीए और बीए में भी तीन सब्जेक्ट जो होते हैं, ये हो सकता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हो सकते हैं, तो आपका एक प्रोग्राम है ये। बीएससी में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये एक प्रोग्राम है। बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट, एबीएसटी एंड ईएएफएम, ये एक प्रोग्राम हो गया कि आप इन तीन सब्जेक्ट से बीकॉम कर रहे हैं, आप इन तीन सब्जेक्ट से बीएससी कर रहे हैं, आप इन तीन सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं, ये एक प्रोग्राम माना जाएगा। एक कोर्स क्या है? कोर्स को जनरली पेपर्स कहा जाता है। पेपर कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ये होते हैं, उनको कोर्स कहा गया है, कोर्स या पेपर्स। और प्रत्येक कोर्स का एक यूनिक कोड होगा, एक यूनिट यूनिक कोड होगा जिसको कोर्स कोड कहा गया है, कोर्स कोड। आगे चलकर हम देखेंगे कोर्स कोड किस प्रकार का है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जैसे ECO 4.5 DCC T12 ऐसे करके एक कोड लिखा होगा जिसको कोर्स कोड बोलेंगे। तो इसमें फर्स्ट थ्री जो आपके हैं ये सब्जेक्ट को दर्शाएंगे। इस प्रकार का कोर्स कोड हमारे एग्जांपल के रूप में हम आगे देखेंगे। कोर कोर्स किसको कहा गया है? जैसे कोई अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उस इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होगा वो उसके लिए कोर कोर्स होगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, ये उस विशेष विषय के लिए कोर कोर्स होगा, यानी अनिवार्य कोर्स होगा जो उस विशेष विषय का होगा वो उस सब्जेक्ट के ही स्टूडेंट को मिलेगा। इलेक्टिव कोर्सेज जो हैं वो कंपलसरी नहीं है। इलेक्टिव कोर्स है वो अपनी पेस से, अपनी गति से सीखने के लिए, क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने के लिए किसी भी स्टूडेंट द्वारा इलेक्टिव चुनकर लिए जाते हैं, उन कोर्सेज को इलेक्टिव कहते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्टिव चुनते हो तो उसके क्रेडिट होंगे 2 या 4, तो वो आपके क्रेडिट में, क्रेडिट स्कोर में जुड़ेंगे। एक कोर्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, एक कोर्स इन तीन में से मिलकर बनेगा। एक कोर्स में एल हो सकता है, एल एंड टी हो सकता है, एल एंड पी हो सकता है, या टी एंड पी हो सकता है। इस प्रकार का एक कोर्स के कंपोनेंट होंगे, वो ये तीन होंगे। एल स्टैंड्स फॉर लेक्चर, टी स्टैंड्स फॉर ट्यूटोरियल एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल। ये किसी भी कोर्स की डिलीवरी के सिस्टम है कि उस कोर्स की डिलीवरी किस प्रकार से की जा रही है, कि कोर्स आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है। आपको अगर लेक्चर दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़े स्टूडेंट के ग्रुप में होता है। ट्यूटोरियल ये किसी एक स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट के स्मॉल ग्रुप के लिए आयोजित किए जाते हैं। ट्यूटोरियल ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन से उनसे भी सीख सकते हैं। और प्रैक्टिकल है वो आपको लैब में या फिर आपके लिए प्रैक्टिकल की जो भी व्यवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स से सिखाया जाएगा। एक सेमेस्टर सिस्टम की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? CBCS ये एक कैफेटेरिया अप्रोच प्रोवाइड करता है। इस तरफ आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार कैफेटेरिया में हम कोई भी चूज कर सकते हैं, हमें टी लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, उसी प्रकार स्टूडेंट करेंगे कोर्स को चूज, और वो अपनी गति से सीखेंगे और वो एडिशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्रेडिट भी अर्जित कर सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट को अपनी गति से सीखने का अवसर देता है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखने का अवसर देता है। एक क्रेडिट को एकेडमिक क्रेडिट भी कहते हैं, एक क्रेडिट या एकेडमिक क्रेडिट। इसके लिए
प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक क्रेडिट रजिस्टर मेंटेन करेगी, उसमें स्टूडेंट के नाम के आगे क्रेडिट दर्ज होंगे। फिर अगर स्टूडेंट बीच में एक 2 सेमेस्टर आफ्टर 3 सेमेस्टर आफ्टर 4 सेमेस्टर अगर वो स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है तो उसका क्रेडिट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए उसको क्रेडिट ट्रांसफ़र करके संबंधित दूसरी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाएगा। एक सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें कोर्स डिलीवरी का क्या सिस्टम है कि जो भी कोर्स या पेपर आपको पढ़ाया जाएगा तो वो किस प्रकार पढ़ाया जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या रहेगा। कोर्स की डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कि आपको जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है ये केवल लेक्चर से पढ़ाया जा रहा है या लेक्चर के साथ ट्यूटोरियल भी होंगे इसमें, या अगर प्रैक्टिकल का कोर्स है तो उसमें प्रैक्टिकल भी होंगे, तो ये बताता है। कंटिन्यूस असेसमेंट उसको कहते हैं जो कॉलेज स्तर पर या यूनिवर्सिटी के स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसको हम असाइनमेंट बोल सकते हैं, टर्म टेस्ट बोल सकते हैं, टेस्ट आयोजित करना बोल सकते हैं। यह कॉलेज डिसाइड करेगा, इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि ये किस प्रकार लिया जाएगा। ये 20% इसका वेटेज रखा गया है, 80% तो आपकी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगी, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम, और 20% आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। एंड ऑफ सेमेस्टर इवेल्यूएशन, एंड ऑफ सेमेस्टर इवेल्यूएशन EOSE, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी आयोजित करेगी, जनरली ये दिसंबर और मई में करने का प्लान है, लेकिन इस वर्ष सेशन थोड़ा लेट है इसलिए थोड़ा लेट होगा। बाकी जहाँ जहाँ सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता है वहाँ पर एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर और मई में आयोजित की जाती है। एक होता है ग्रेडिंग सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम। तो पहले परसेंटेज सिस्टम था तो मार्कशीट में ऐसे लिखा हुआ आता था 72.3% एंड 65.4%। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ग्रेडिंग होगी और ग्रेडिंग में ग्रेड ए, पी, ए प्लस, बी प्लस, ऐसा कुछ सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम है, इसको कैलकुलेट करने का भी एक साइंटिफिक वे है, साइंटिफिक तरीका है, उसको ग्रेड शीट में शो किया जाएगा। एक होता है SGPA और एक होता है CGPA। इन दोनों में अंतर ये है कि SGPA सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज है, और ये जो CGPA है ये क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है। ये सारे सेमेस्टर जैसे BA BSc में सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं, तो सारे सेमेस्टर होने के बाद जो आपकी ग्रेड पॉइंट एवरेज होगी वो आपका CGPA होगा, और जो एक सेमेस्टर के बाद या दूसरे सेमेस्टर के बाद या तीसरे सेमेस्टर के बाद जो आपकी ग्रेड शीट होगी तो उसमें SGPA होगा। तो ये SGPA और CGPA का अंतर है। एक सेमेस्टर सिस्टम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम रखा गया है, यानी एंट्री और एग्जिट के लिए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का सिस्टम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आलोक में रखा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद उसमें ये प्रावधान है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट BSc के 2 सेमेस्टर करता है कंप्लीट और उसके बाद उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर वो BSc 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर कर लेता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर वो 5th एंड 6th सेमेस्टर भी कर लेता है तब उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। इसी प्रकार BA में और BCom में ये सिस्टम लागू किया गया है। जो सिस्टम ये कहता है कि सर्टिफिकेट मिल सकता है, डिप्लोमा भी मिल सकता है और बैचलर डिग्री भी मिल सकती है, यानी तीनों ही ऑप्शन है। हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे, जो फर्स्ट ईयर के दोनों, जो फर्स्ट एकेडमिक ईयर के दोनों सेमेस्टर कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3rd एंड 4th सेमेस्टर कंप्लीट करने पर आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 5th एंड 6th सेमेस्टर पूरा करने के बाद आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। इसी प्रकार जो PG करेंगे MA MSc MCom, उसमें
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उनको दिया जाएगा जो एमए या एमएससी का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं, और मास्टर डिग्री उनको दी जाएगी जो उसका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है। अब सेमेस्टर सिस्टम के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें ये सीखनी है कि यूनिवर्सिटी कैंपस क्या है, कॉलेज क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज क्या है, इन सब बातों को। एक यूनिवर्सिटी अपने राजस्थान राज्य में एक संभाग स्तर पर, नॉर्मली एक संभाग स्तर पर एक यूनिवर्सिटी होती है जो उस संभाग में आने वाले समस्त जिलों के जितने भी कॉलेज होते हैं वो उसके एफिलिएटेड कॉलेज कहलाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में दो प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं। एक प्रोग्राम वो होते हैं जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में चलते हैं, जैसे बीकानेर की यूनिवर्सिटी है तो बीकानेर की यूनिवर्सिटी में जो अंदर रेगुलर कोर्स चल रहे हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रोग्राम्स, और उसके एसोसिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज बोलते हैं उनको, तो वो उस संभाग के या उस ज़िले के आसपास के जितने भी कॉलेज हैं उन सब में यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही परीक्षाएँ करवाई जाती है और प्रोग्राम रन होते हैं। उन सब कॉलेजेस को एफिलिएटेड कॉलेज बोला जाता है, संबद्धता प्राप्त कॉलेज, या उसको नॉर्मली कॉलेज कहा गया है। जब भी आप किसी भी विषय के सिलेबस का अध्ययन करें तो उसमें एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब या कॉलेज का मतलब आपका वो इंस्टीट्यूशन है जहां आप स्टडी कर रहे हो। एग्जाम सेंटर को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सेंटर क्या होता है। एग्ज़ाम सेंटर वो नहीं होता जो आपका कॉलेज होता है जहाँ आप पढ़ रहे होते हैं। एग्ज़ाम सेंटर वो होता है जहाँ आपकी परीक्षा आयोजित हो रही है। हो सकता है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर परीक्षा आयोजित नहीं हो रही हो, तो वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं होगा। ये रेगुलर एंड नॉन कलेजिएट दोनों स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम सेंटर वही होता है जहाँ वो स्टूडेंट परीक्षा देता है, उसको बोलते हैं एग्ज़ाम सेंटर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा की योजना, परीक्षा की योजना हमें ये बताती है कि हमारा पेपर कैसा होगा। सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। करिकुलम जब इस पूरे फ्रेमवर्क में हम पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं तब उसको करिकुलम कहा गया है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको जाननी चाहिए जब भी आप किसी विषय के सिलेबस का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो ये आपके बहुत ही काम के टर्म हैं जिनको आपको देखना चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम में जो कोर्स पढ़ाया जाएगा, पेपर पढ़ाया जाएगा, उसका एक यूनिक कोड होगा। उस यूनिक कोड में ये बताया जाएगा कि ये कोर्स किस टाइप का है, कोर्स का टाइप क्या है, कोर्स का टाइटल क्या है, कोर्स का लेवल क्या है, कोर्स का क्रेडिट क्या है, और इस कोर्स के लिए पढ़ाने के लिए उसका डिलीवरी सिस्टम क्या होगा। केवल थियोरी होगा या थियोरी प्लस ट्यूटोरियल होगा या साथ में लैब वर्क होगा या प्रैक्टिकल होंगे, तो ये क्या है, ये बताते हैं आपकी डिलीवरी का टाइप। तो ये जो है ये आपको हर सब्जेक्ट में जब भी आप सिलेबस देखेंगे उस सिलेबस में ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कोर्स कोड, टाइप ऑफ कोर्स, टाइटल ऑफ कोर्स, लेवल ऑफ कोर्स, क्रेडिट ऑफ कोर्स, डिलीवरी सब टाइप ऑफ कोर्स लाइक थियोरी और ट्यूटोरियल और लेबोरेटरी। सेमेस्टर सिस्टम में कुछ ऐसी प्री रिक्विजिट्स और रिक्विजिट्स होती हैं, ये बताती है कि आप अगर यूजी में कोई डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम में, बीए बीएससी बीकॉम में, तो आप उसके लिए पूर्व में आपसे क्या अपेक्षा है कि आप कि कौन सी क्लास ऐसी है जो पास होना ज़रूरी है तभी आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं, उसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स, पूर्व पात्रताएँ, पूर्व अपेक्षाएँ। उस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, जिस कोर्स को आप कर रहे हो, जिस डिग्री प्रोग्राम को आप ले रहे हो, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, बीएससी बीकॉम करने का क्या उद्देश्य है, उसके उद्देश्य उसमें मेंशन होते हैं। कोर्स को सीखने के बाद
उसके परिणाम क्या होंगे, किस प्रकार का सुधार, किस प्रकार के परिवर्तन विद्यार्थी में देखने को मिलेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कैसा होगा, उसकी स्कीम क्या होगी, ये सब सिलेबस में दिया हुआ है। बस हमें पढ़ना होगा उसको और समझना होगा। सजेस्टेड बुक्स जो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं, कौन से ई रिसोर्सेज हैं जो हमें देखने चाहिए वेबसाइट पर, वेब के माध्यम से, और कौन सी संदर्भ पुस्तकें या अन्य संदर्भ हैं उनको देखना चाहिए। फिर उस लर्निंग का आउटकम का इंडेक्स है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट, NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क। इसमें एक लेवल की बात करते हैं कि एक लेवल जो आपको कोर्स कोड में देखने को मिलेगा, कोर्स कोड में, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस फ्रेमवर्क की बात की गई है, जिसमें ये माना जाता है कि क्लास 12 तक स्टूडेंट फोर लेवल कंप्लीट करके आते हैं। तो जब सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा, यानी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के जो विद्यार्थी होंगे उनके लेवल 4.5 लिखा हुआ होगा, जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनके कोर्स में डिप्लोमा वाला ये 5 लेवल लिखा हुआ होगा, और जो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करेंगे उनका लेवल 5.5 होगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट में MA MSc MCOM में फर्स्ट ईयर प्रीवियस के जो स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के, उनके लेवल 6 लिखा होगा, और जो MSc MA MCOM में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होंगे उनके 6.5 लेवल होगा, और इसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो टॉप लेवल है, उसका लेवल 8 है, और वो है PhD। तो ये लेवल हैं, और 12वीं तक ये माना जाता है कि स्टूडेंट 4 लेवल कंप्लीट करके आया है, तो फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर होंगे उसमें लेवल 4.5 रहेगा, थर्ड और फोर्थ में लेवल 5 रहेगा, और फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में 5.5 लेवल रहेगा, फिर 6 और 6.5 ये दोनों PG के लिए हैं, सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड और सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ के लिए। तो ये लेवल है जो बहुत ज़रूरी है, कोर्स कोड में इनका स्पष्ट उल्लेख है। अब हम चर्चा करेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम में सिलेबस को कैसे समझा जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की वेबसाइट है, mgsubikaner.ac.in। इसमें जब हम एकेडमिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेबस खुलेगा। सिलेबस में हम देखेंगे कि BA कोर्स की बात करें, या अगर इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर BSc भी होगा। तो सेशन 23-24 के लिए 17 सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये पेज नंबर है, page 1 and page 2। तो इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट हो, वेदर इट इज़ संस्कृत और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको उसके सामने दिए हुए व्यू पर क्लिक करना है। आपका ये सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें समझना होगा। तो ये 17 सब्जेक्ट हैं, तो ये सितंबर के महीने में 28 सितंबर तक अपडेटेड है वेबसाइट, तब तक 17 सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस डाला हुआ है। और इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें, और उसमें कोई भी परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट एकदम प्रामाणिक स्रोत है, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो भी जागरूक विद्यार्थी हैं वो हमेशा अपडेट रहें कि अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेवें। तो इसमें आपको सबसे पहले कोर्स कोड के बारे में, कोर्स के नेम के बारे में, कोड के बारे में, और उसका जो कोर्स को डिलीवरी का जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि ये हम कोर्स कोड देख रहे हैं। एक इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये जो 3 है शुरू के जो लिखने होते हैं, ये है BPA बैचलर
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाम अलग हो सकता है। हो सकता है इसका नाम PUB होता, हिस्ट्री के लिए HIS होता, या इंग्लिश के लिए ENGL होता, कुछ भी होता। तो आपको यहाँ ये सब्जेक्ट बताएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, BPA, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपके आया है 4.5, ये आपको लेवल बताता है। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में आपके लेवल 4.5 ही होगा। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में आपका लेवल 5 हो जाएगा। फिर सेमेस्टर 5 और 6 में फिर आपका लेवल 5.5 हो जाएगा। ये डीसीसी का मतलब है डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर कोर्स CCD। तो डिसिप्लिन कौन सा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये डीसीसी है, यानी डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर कोर्स है। इसी प्रकार ये DCC पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर कोर्स, और ये इसका नाम है कोर कोर्स का। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। DCC क्या बताती है? DCC ये बताती है कि जो भी स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे उनको ये कोर्स करना ज़रूरी है, उनको ये पेपर पढ़ना ज़रूरी है, वो स्किप नहीं कर सकते। इसके लिए कोड दिया गया है DCC, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसके बाद ये जो 1 दिखाई दे रहा है, 1-2 है, 1-3 है, तो इसका मतलब है यहाँ 1 कॉमन है दोनों में। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट है, ये सेमेस्टर फर्स्ट को इंगित करता है। अगर सेकंड होता तो इसका कोड ऐसे होता 22 और 23। इसमें ये जो 2 होगा ये सेमेस्टर को बताएगा कि ये सेमेस्टर फर्स्ट है या सेमेस्टर सेकंड है। तो ये सेमेस्टर फर्स्ट है, और फिर उसमें दूसरा पेपर है और ये तीसरा पेपर है। इसका मतलब एक पेपर ऐसा भी है जो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन वो होगा। इसको बोलते हैं कोर्स कोड। ये 8 डिजिट का होगा। हो सकता है इसमें आपको अभी पॉइंट लगा होने की वजह से 9 या 10 अंक दिखाई दें, तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी पूरी तरीके से अपडेट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी इसको पूरा अपडेट करके ही परीक्षा लेगी, और उसके बाद ही आपकी ये मार्कशीट में या ग्रेड शीट में दर्ज होगा। तो जैसे BSc का है तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए CHEI, फिर 4.5 आए, फिर DCC, फिर टी शब्द यहाँ पर थियरी को दर्शाता है। टी थियरी को दर्शाएगा। अगर यहाँ पर पी होगा तो वो प्रैक्टिकल को दर्शाएगा। तो केमिस्ट्री में जैसे प्रैक्टिकल होता है तो यहाँ पर पी लिखा हुआ होगा। फिर सेमेस्टर 1 या 2 जो भी है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ना सीख लें और इसको समझ लें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। टोटल क्रेडिट होंगे वो 3 और 3। अगर पेपर 2 हैं तो 3 और 3 क्रेडिट होंगे। अगर पेपर 1 है तो आपके 6 क्रेडिट होंगे। तो अब तक जितने भी सिलेबस अपलोड किए हैं यूनिवर्सिटी ने, उसमें एक सोशियोलॉजी मुझे मिला है ऐसा, जिसमें 1 पेपर है तो उसके क्रेडिट सीधे ही 6 हैं। तो ये आपको देखना होगा कि उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके कोर्स कोड में और आपके टोटल क्रेडिट कितने दे रखे हैं। मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 150 होंगे एक सब्जेक्ट के। इसमें से 20% यानी 30 मार्क्स होंगे वो इंटरनल मार्क्स के रूप में होंगे, और एक्सटर्नल में जहाँ भी 2 पेपर में डिवाइड किया गया है किसी सब्जेक्ट को, तो वहाँ पर 60-60 के 2 पेपर होंगे। अगर एक पेपर में डिवाइड एक में ही रखेंगे, अगर एक पेपर ही बनाया गया है, तो वो 120 का हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 है, 60 में से मिनिमम मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स हैं वो 22 है, यहाँ पर 60 में से 22 हैं, और 30 में से 11 है। तो ये 36% मार्किंग है, और ये सेपरेट है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, और पेपर ये वाला जो इंटरनल मार्क्स हैं इनमें भी सेपरेटली आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे। ये लोक प्रशासन के लिए कोर्स कोड और कोर्स की डिलीवरी सिस्टम था। इसी प्रकार आगे देखते हैं BA हिस्ट्री सेमेस्टर 2023-24 में। तो हिस्ट्री में
कोर कोर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 AD। कोर्स कोड है इसमें, ये FSS लिखा गया है और हिस्ट्री है। तो जहाँ तक इसका नाम है, ये हो सकता है यूनिवर्सिटी इसको थोड़ा संशोधित करके एक नई तरीके से गाइडलाइन सब सब्जेक्ट्स के लिए जारी कर दें। ये BA का कोर कोर्स है और इसमें 101 और 102 इन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द नॉर्म नहीं लग रहा है। हो सकता है यूनिवर्सिटी इसको अपडेट करें। फिर इसमें लेक्चर और ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल, तो इसमें 2 लेक्चर 1 ट्यूटोरियल, इसमें भी 2 लेक्चर 1 ट्यूटोरियल और क्रेडिट इसमें 3 और 3 है। इसका मतलब पेपर एक फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होंगे हिस्ट्री में भी। पैटर्न लगभग सेम रहता है इसका। ये है सोशियोलॉजी, जिस पेपर की मैं अभी बात कर रहा था कि इसमें 120 मार्क्स का रखा गया है, यानी यहाँ पर एक ही पेपर होगा और वो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा, पेपर एक होगा। पासिंग मार्क्स हैं वो 43 होंगे, इंटरनल यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा, आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज की तरफ से जो दिए जाएंगे वो 30 होंगे और उसमें पासिंग मार्क्स आपकी 11 की होगी। तो मिनिमम पास मार्क्स हैं वो आपके 54 हो जाएंगे टोटल आउट ऑफ 150। तो आपको 150 में से 54 पासिंग मार्क्स होंगे और वो भी सेपरेटली 11 और 43। ये सोशियोलॉजी की व्यवस्था है। सोशियोलॉजी में एक ही पेपर होगा। अगर किसी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड हिंदी हो तो इसके 2 पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में, सोशियोलॉजी में 1 पेपर और हिंदी में 2 पेपर, तो टोटल इसके सब्जेक्ट के 5 पेपर्स हो गए। बट क्रेडिट रिमेंस द सेम, 666, सबके 666 क्रेडिट होंगे, तो 18 क्रेडिट्स होंगे वो इन 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट से दिए जाएंगे। 3 डिसिप्लिन से आपके 18 क्रेडिट हो जाएंगे। ये सिलेबस दिया हुआ है नीचे, जिसको सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ही समझें। अब इसमें इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में ये जो ENGL लिखा हुआ है यहाँ, ये बताता है आपके सब्जेक्ट के बारे में। फिर ये डिसिप्लिन कोर कोर्स है और टी का मतलब है थियरी का पेपर है। प्रैक्टिकल अभी आया नहीं है, आने ही वाला है आपके, उसको भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या लिखा होगा। फिर ये भी सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है, ये सेमेस्टर फर्स्ट का सेकेंड पेपर है। कोर कोर्स है और वो भी थियरी का है, कोर कोर्स है वो भी थियरी का है। पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकेंड है, ये नेम है पेपर का, टाइटल है, उसके बाद ये लेवल है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होगा, उसका लेवल 4.5 ही रहेगा। क्रेडिट अगर 2 पेपर हैं तो 3-3 क्रेडिट, टोटल क्रेडिट 6 होंगे, और अगर 2 पेपर हैं तो 150 को 75-75 में डिवाइड किए हुए होंगे, 120 + 30। डिलीवरी जो होगी वो 2.5 लेक्चर के रूप में और 0.5 ट्यूटोरियल के रूप में। ये लेक्चर है, ये ट्यूटोरियल है। ये पर वीक जो आवर्स है उनकी संख्या दी गई है, 6 आवर्स पर वीक इन बोथ पेपर्स। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का है। इसी प्रकार जो साइंस के स्टूडेंट हैं, BSc बायो एंड BSc मैथ्स में भी पेपर्स हैं, उनमें सब में लगभग प्रैक्टिकल हैं, मैथ्स में नहीं है। तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री का कोर्स कोड दिया हुआ है, CHY, और इसमें जो DCC, ये तो सेम है। उसके बाद यहाँ पर थियरी है, यहाँ पर थियरी है एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के लिए P लिखा हुआ आया है, 4.5, ये आपका लेवल है। तो यहाँ पर ये 13 ये रखा गया है, तो ये केमिस्ट्री की तरफ से रखा गया है। इसमें अगर कोई संशोधन होगा तो यूनिवर्सिटी करेगी, अदरवाइज यही कोड रहेगा। यहाँ पर T1, T2, थियरी फर्स्ट एंड थियरी सेकेंड, और ये Lab 1, L1, तो इसका पेपर का नाम भी लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड सेफ्टी इन लेबोरेटरी है। तो ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री के जो स्कीम है उसके बारे में है।
टोटल 6 क्रेडिट्स हैं 150 मार्क्स की, 50 मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर के, 50 मार्क्स आपके इस सेकेंड पेपर के थियरी के, और ये जो पेपर थर्ड है जो प्रैक्टिकल का है उसके भी 50 मार्क्स, 50 50 50, टोटल हो गए 150, उसमें से 40 40 40, ये 120 का आपका एक्सटर्नल एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, और इंटरनल है जो 20% वो है 30 का, तो 10 10 10, ये हो गया आपका 150 का। तो 150 केमिस्ट्री, अगर साथ में बॉटनी एंड जूलॉजी है तो 150 एंड 150, इन सब का योग हो जाएगा 450। यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में गाइडलाइन दी हुई है कि यहाँ पर 2 टर्म टेस्ट होंगे, केमिस्ट्री में 2 टर्म टेस्ट होंगे जिनमें मिनिमम गैप होगा 40 डेज का। इसी प्रकार आपके ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल और ये बॉटनी की प्रैक्टिकल की स्कीम है, वो है कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री में वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके 50, जिसमें से 10 मार्क्स होंगे वो इंटरनल के भी इंक्लूड होंगे, इसमें से आपको मिनिमम मार्क्स हैं वो 18 प्राप्त करने हैं, और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल 5 आवर्स है और बॉटनी में प्रैक्टिकल 4 आवर्स है। तो ये डिफरेंस है, ये देखना पड़ेगा आपको सिलेबस में कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पर लैब टेक्निक सबके लिए 8 मार्क्स दिए हुए हैं, प्योरीफिकेशन मेथड्स एंड विस्कोसिटी सरफेस टेंशन, ये स्पॉटिंग के हैं, ये आपके वाइवा के रिकॉर्ड के। ये फिर इंटरनल एग्जामिनेशन है, ये 2 टर्म टेस्ट के हिसाब से केमिस्ट्री में है, मिनिमम गैप ऑफ 40 डेज, और यहाँ पर ये प्रोसीजर दी हुई है। बॉटनी में एक्स स्टूडेंट के लिए और रेगुलर एंड नॉन कलीजिएट स्टूडेंट के लिए ये मार्किंग पैटर्न है, जिसमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो रेगुलर एंड नॉन कलीजिएट स्टूडेंट से तो है, लेकिन एक्स स्टूडेंट के लिए इसका प्रावधान नहीं है, और ये वाले जो मार्क्स हैं ये यहाँ पर सब में एक एक बढ़ाया गया है, और ये भी टोटल 40 मार्क्स का है, ये भी 40 मार्क्स का है, और 10 नंबर आपके इंटरनल के होंगे। तो ये इस प्रकार से प्रैक्टिकल की स्कीम होगी मार्किंग की। ये बॉटनी की है, ये जूलॉजी की है, इसमें आपके 40 मार्क्स हैं टोटल, और ये पैटर्न रहेगा चाहे स्टूडेंट रेगुलर हो या नॉन कलीजिएट हो। और ये मैथ्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इसमें मैथ्स में आपको थियरी 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 तीनों ही थियरी मिलेगी, तो नो प्रैक्टिकल। 4.5 ये लेवल है आपका, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड का लेवल 4.5 होगा। पेपर नेम दे रखे हैं तीनों ही डिसिप्लिन कोर कोर्स हैं, और लेक्चर लेक्चर लेक्चर, और 2 2 क्रेडिट हो गए, तो टोटल क्रेडिट हो गए 6। तो ये आपका 150 एंड 120 का आपका एक्सटर्नल और 30 का आपका इंटरनल। पासिंग मार्क्स हैं 14 14 14, और ये यहाँ पर है 12। तो ये आपका मैथमेटिक्स का है, और ये ग्रुप थियरी जो आपका फर्स्ट वाला पेपर है, पेपर फर्स्ट मैथ्स में, उसकी यहाँ पर स्कीम दे रखी है कि 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 प्रश्न होंगे आधे आधे अंक के, तो टोटल हो गए आपके 5 अंक का हो गया ये। सेक्शन बी जो होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे और वो भी 2.5 अंक के होंगे, तो ये आपका हो गया 12.5, और इसमें 5 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं, और 1 प्रश्न 7.5 अंक का होगा, तो ये हो गए आपके 22.5। तो इनका योग है वो हो जाएगा आपके 40 अंक हो गया इसका योग, और 10 आपके इंटरनल हो जाएंगे, तो तीनों में 40 की ये स्कीम दे रखी है। इसी प्रकार जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि ये भी 4 घंटे का होगा, और 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो 25 अंक के होंगे, और वाइवा वोची होगा आपका 10 मार्क्स का, और रिकॉर्ड होगा आपका 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार ये 40 मार्क्स आपके डिवाइड किए गए हैं। तो ये बीएससी में प्रैक्टिकल का और इनका स्कीम है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट लिख सकते हो, और कोई सुझाव हो तो वो दे सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आगे आपके हर सब्जेक्ट के सिलेबस को
पूरा डिस्क्राइब करके वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।